सी स्टूडेंट्स पूछते हैं जनरली कि मैम एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, 6th to 10th पढ़नी है, 11th 12th पढ़नी है. सो आज हम बात करने वाले हैं कौन सी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज हैं जो आपको बाय हार्ट पढ़नी ही है. सो लेट्स टॉक अबाउट इट. पहली बात तो अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री की आपके क्लास 12th बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप क्लास 12th की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं. ज्योग्राफी के लिए 6th to 12th, बिकॉज ज्योग्राफी का तो आपको 6th to 12th सारा ही करना जरूरी है, तो 6th to 12th की एनसीईआरटीज आप करिए. इकोनॉमिक्स में 11th 12th की एनसीईआरटीज करनी है, 12th की मैक्रो करनी है, माइक्रो नहीं करनी. जैसा कि आपको पता होगा कि आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, लाइक आपका इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ये सारे सब्जेक्ट्स के बेसिक्स आपको पता होने जरूरी हैं. अगर बेसिक्स बिल्कुल भी क्लियर नहीं है तो आप 6th से शुरू करिए, बट अगर आपके फिर भी बेसिक क्लियर है, आपने सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है, सो इन दैट केस वॉट यू शुड डू इज, जो मैं आपको बता रही हूँ आपको सिंपली यही फॉलो करेंगे तो आगे आप यूपीएससी का सारा पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे. तो इकोनॉमिक्स का 11th 12th, मैक्रो करना है 12th का, माइक्रो नहीं करना है, पॉलिटी 11th 12th, आर्ट एंड कल्चर 11th क्लास, सोशोलॉजी 12th क्लास, बायोलॉजी भी 12th क्लास, और 12th क्लास के लास्ट 4 चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है तो उस पर भी हमको ध्यान देना है. ओके.